मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के द्वारा विधानसभा की कार्यवाही को लेकर की गई बयानबाजी पर अब बवाल मच गया है, जिसके बाद कमलनाथ के बयान पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कार्यवाही की बात कही है। मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा है कि किसी भी विधायक को विधानसभा की बातें बकवास लगती हैं तो वह सदन के अंदर प्रवेश ना करे, जिससे विधानसभा सदन की मर्यादा बनी रहे। दरअसल एक निजी समाचार समूह से बात करते हुए मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा था कि विधानसभा में बकवास की बातें होती हैं, जिसके कारण वह बकवास बातों को सुनने विधानसभा नहीं जाते हैं। इसके बाद उनकी इस बयानबाजी पर सियासत तेज हो गई तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को उन पर कार्यवाही को लेकर एक पत्र लिखा, जिस पर अब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कमलनाथ पर कार्यवाही की बात कही है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि मैंने भी सुना है कि किस प्रकार से कमलनाथ के द्वारा बयानबाजी की गई है, ऐसे में जिस किसी विधायक को विधानसभा सदन की बातें बकवास लगती हैं वह विधानसभा के अंदर प्रवेश ना करें। अभी मेरे पास विष्णुदत्त शर्मा जी का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का एक पत्र प्राप्त हुआ है और जिसमें उन्होंने इस बात का हवाला दिया है कि कमलनाथ जी द्वारा विधानसभा की कार्रवाई को बकवास कहा गया है। इसके बाद मैंने वो भी सुना है, विधानसभा उनका जो दैनिक भास्कर किसी एंकर से बात करते हुए कमलनाथ जी का भी सुना है, तो उसमें ऐसा लगता है कि जब उनने पूछा कि विधानसभा में आप क्यों भाग नहीं लेते, क्यों नहीं जाते, तो उनने ये कहा कि क्या बीजेपी का बकवास सुनने जाऊँगा। तो वहाँ पर बीजेपी के विधायक ही बैठते हैं, विधायक ही है, विधायक किसी दल का हो विधायक है वो। तो अब ये कागज आया, इसे आवेदन, ये आवेदन आया, इस आवेदन का संज्ञान मैंने लिया है, तो विधानसभा की अपनी नियम और प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के भीतर से क्या कार्रवाई हो सकती है वो करूंगा इसमें। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, सामान्य तौर पर मैं हूँ, स्वतः मैं विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते या विधानसभा का सदस्य होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते या सत्ता पक्ष का नेता, सदन का नेता होने के नाते या मंत्री होने के नाते, किसी को ऐसा लगता है कि विधानसभा के भीतर बकवास होती है, कार्रवाइयाँ बकवास है, तो हमें तत्काल विधानसभा को छोड़ करके बाहर चले जाना चाहिए। नहीं, कार्रवाई तो जो नियम प्रक्रिया वर्धित है, किसी तरह का किसी आरोप के जो परीक्षण का होता है, आरोप में कारण तो उसकी नियम प्रक्रिया होती है, अलग से तो कुछ हो नहीं सकता कि हम जो चाहें वो कर दें। तो इन सभा अध्यक्ष को हमारी कोई राय नहीं हो सकती, हम व्यक्तिगत राय क्या है, व्यक्तिगत राय मैंने बता दिया एज ए गिरीश गौतम, एज ए विधानसभा अध्यक्ष मैंने राय बता दी, नेता प्रतिपक्ष को भी उसमें लिया, सत्ता पक्ष के नेता को भी लिया, सदन के नेता को भी लिया, माननीय सदस्यों को जोड़कर कहा, यदि हमको ऐसा लगता है कि विधानसभा की कार्रवाइयाँ बकवास हैं तो हमको विधानसभा छोड़ करके बाहर चले जाना चाहिए।